हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ संजीव शर्मा। और जो आज हमारी साइंस की क्लास है, इस साइंस की क्लास में हम क्लास टेंथ का जो चैप्टर फर्स्ट है केमिस्ट्री सेगमेंट का, अपने पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जी हाँ एनसीईआरटी का केमिस्ट्री सेक्शन का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम इक्वेशंस को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाली, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, इन्फॉर्मेशन मिल पाए, ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो जो टॉपिक है हमारा वो भी यही है, टू मेक द इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, यानी कोई इक्वेशन ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो तो उसको स्टडी करना, उसको समझना क्या रहता है, आसान रहता है, इजी रहता है। एक एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास जिंक Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2 इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमें कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, जो अंडरस्टूड है वो यही है कि ये जो हैं आपके ये रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, और इधर क्या है, ये प्रोडक्ट है, ये हमें पता लग रहा है यहाँ पर कि ये रिएक्टेंट ने रिएक्शन की और इसमें चेंज हो गए, प्रोडक्ट में चेंज हो गए, ये तो पता लग रहा है हमें, ठीक है। लेकिन और ज़्यादा हम इसको कैसे इन्फॉर्मेटिव बनाएं, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट जो मेथड है हमारे पास मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के, हमारे पास वैसे बेसिकली 3 स्टेप्स हैं इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। फर्स्ट जो है हमारे पास क्या है, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। देखो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट तो हमें पता लग गया कि जो एरो के राइट साइड में है वो प्रोडक्ट है, लेफ्ट साइड में है वो क्या है, रिएक्टेंट है नॉर्मली, ठीक है। अब अगर इनकी फिजिकल स्टेट को मैं साथ में लिख देता हूँ, डिनोट कर दें अगर, तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा समझने में, है ना, क्या रहेगा, आसान रहेगा। अब देखें जिंक, अब पता नहीं लग रहा है भाई जिंक किस स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो ये थोड़ा सा क्या रहेगा, इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी। चलिए तो अब यहाँ पर हम जो है इसको कैसे मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो जब हम जिंक की बात करते हैं, जिंक, ठीक है, तो जिंक कैसा होगा, जैसा कि हम जानते हैं जिंक जो है सॉलिड, जिंक को हम किस में लेते हैं, सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब सॉलिड स्टेट के लिए मैं क्या यूज करूंगा, एस, सॉलिड स्टेट के लिए क्या यूज कर लेते हैं हम, यहां पर एस को यूज कर लेते हैं। तो अब देखिए इसी रिएक्शन को मैं दोबारा लिख रहा हूं, देखो Zn प्लस H2SO4 इट गिव्स अस ZnSO4 प्लस H2, ये ठीक है ना। अब जो जिंक है तो अब ये हमें पता है सॉलिड में होता है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, ये S, ये ब्रैकेट में हमने सॉलिड के लिए, क्या रिएक्शन वही है, इक्वेशन वही है, केवल थोड़ा सा ऐड करते जा रहे हैं। तो फर्स्ट हमने क्या किया यहाँ पर, ऐड कि जो जिंक है वो किस स्टेट में है, सॉलिड, और सॉलिड स्टेट को हम जो है इक्वेशन में, अगर रिएक्शन में अगर हम दिखाना चाहेंगे, इक्वेशन में अगर हम दिखाना चाहेंगे तो ब्रैकेट में जो है एस लिख देते हैं हम, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर H2SO4, अब H2SO4 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो H2SO4 है अपने पास, ये एक तो जो है एक्यूट सॉल्यूशन, ठीक है ना, तो एक्यूट सॉल्यूशन ठीक है, तो एक्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो एक्यूट सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ऐसा सॉल्यूशन
या ऐसा मिक्सचर जिसमें वाटर के साथ, यानी अगर हम कहें वाटर मिक्स है यहाँ पर, तो प्लस क्या होगा इसके अंदर? वाटर, ठीक है ना। वाटर के अंदर क्या रहेगा? ये मिक्स रहेगा। किस फॉर्म में है? वाटर के अंदर मिक्स फॉर्म में। तो वो क्या होता है आपका? एक्यूज सॉल्यूशन। तो ये H2SO4 जो है वो हमारे पास जो है एक्यूज सॉल्यूशन के फॉर्म में। तो यहां पर जो ब्रैकेट में मैं क्या लिख देता हूं इसके लिए, A और Q, A Q, ठीक है। तो ये हमने क्या लिखा है यहां पर एक्यूज सॉल्यूशन के लिए, हम क्या लिखते हैं? A एंड Q, एक्यूज सॉल्यूशन। कब लिखा जाता है? जब कोई भी जो सब्सटेंस है वो किसमें हो? वाटर में मिक्स फॉर्म में, वाटर में घुला हुआ हो, पानी में घुला हुआ हो, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर, देखो ZnSO4 है हमारे पास, ZnSO4। तो ये भी क्या होगा? एक्यूज सॉल्यूशन। इसको हम क्या लिख देंगे? A क्यूब। और यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं आप इसको? A एंड Q, एक्यूज सॉल्यूशन। थर्ड जो आ रहा है हमारे पास हाइड्रोजन H2। तो आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन किस फॉर्म में है अपने पास? गैसियस फॉर्म में। हाइड्रोजन इज ए गैसियस। गैसियस फॉर्म। तो गैसियस के लिए हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर? गैसियस फॉर्म को किससे करेंगे? जी से डिनोट। तो जो है इसके साथ क्या आ जाएगा आपका? जी। तो ये हमने, अच्छा इसके अलावा हमारे पास एक स्टेट और आप सभी जानते हैं, लिक्विड स्टेट। तो अगर कोई लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है ना, लिक्विड स्टेट, तो हम वहां पर क्या लिख देते हैं? स्मॉल एल, लिक्विड स्टेट के लिए। तो देखो अब फर्स्ट सॉलिड, सेकंड क्या हो गया हमारे पास? एक्यूज सॉल्यूशन। थर्ड क्या हो गया हमारे पास? गैसियस फॉर्म। और फोर्थ जो है, तो बेसिकली हमारे पास चार तरह से जो है कोई भी सब्सटेंस हमको मिल सकते हैं बेसिकली। तो तीन को तो हमने डिटेल में स्टडी किया है, 9th क्लास में भी किया था, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ठीक है। 3 स्टेट्स तो हैं ये, और एक एक्यूज सॉल्यूशन यानी मिक्स फॉर्म में मिलेगा। इसके साथ पानी के साथ, वाटर के साथ क्या होगा? वो मिक्स फॉर्म में होगा। जैसे कि यहाँ पर H2SO4 है या ZnSO4 जो है वो एक्यूज सॉल्यूशन के फॉर्म में हमें यहाँ पर मिला है। इसी तरह से एक एग्जांपल और हम यहाँ ले लेते हैं, जिससे क्या होगा? जो आपकी इक्वेशन है, ठीक है ना, वो क्या हो जाती है? मोर इन्फॉर्मेटिव हो जाती है। तो एक जो हम इक्वेशन ले रहे हैं यहाँ पर CaOH2, ठीक है, ये इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसका जो दूसरा नाम है वो हम लाइम वाटर, ये हमें पता होना चाहिए। बहुत से क्वेश्चन इस पर आते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी जो रिएक्शन करानी है हमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्लस CO2, ठीक है। तो CO2 आप सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इट गिव्स अस, क्या दे देता है हमें? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इज ए कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2O प्लस H2O, ये एक इक्वेशन हम ले रहे थे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, तो लाइम वाटर की रिएक्शन CO2, नॉर्मल नेम है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। यहां अगर आप लिखना चाहें कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको आप जानते हैं वाटर है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 लाइम वाटर की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हुई, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर यहाँ मिल गया। चलिए अब इंफॉर्मेटिव, अब हमें क्या करना है? हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाए। तो
रिएक्शन तो है हमें पता लग रहा है, ये तो क्या है आपके रिएक्टेंट है, ये क्या है आपके प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जो राइट साइड है आर एच एस वो प्रोडक्ट की होती है, एल एच एस बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या रहती है रिएक्टेंट की। बट इसे और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव जिससे, तो यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन पूरी नहीं मिल रही है। तो फर्स्ट स्टेप जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्या इनकी फिजिकल स्टेट हम क्या करते हैं यहाँ पर जो है डिनोट कर देते हैं, लिख देते हैं। तो ये जो सी ए ओ एच ट्वाइस जो है, ठीक है, अब इसको इसी इक्वेशन को हम दोबारा लिख रहे हैं सी ए ओ एच ट्वाइस, ठीक है। ये एक्यूट सॉल्यूशन है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए क्यू। अब हम समझ गए ए क्यू इज एक्यूट यानी वाटर में मिक्स फॉर्म में पानी में घुला हुआ है, ठीक है, प्लस सी ओ टू, तो सी ओ टू जैसे कि हम जानते हैं, जी हाँ, गैस फॉर्म में हो गया, सी ओ टू किस फॉर्म में हो गया गैस में, तो और फिर है सी ए सी ओ थ्री कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है हम यहाँ पर, ये भी हमें वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में मिलता है, ठीक है ना, वाइट पी पी टी प्रेसिपिटेट, तो ये सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, इस फॉर्म में हो जाएगा सॉलिड वाइट प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो मिक्स ना हो, घुले नहीं है, अब जो अपने सॉल्वेंट में घुलता नहीं है, अब ये वाटर में क्या है घुलेगा नहीं, ठीक है, तो क्या ये अलग जो है बॉटम आउट हो जाता है, अलग तैरता, सॉलिड सब्सटेंस होते हैं एक तरह से जो घुलेंगे नहीं, अलग से हमें तैरते हुए से दिख जाएंगे। ये हो गया आपका वाइट प्रेसिपिटेट प्लस H2O, बहुत अच्छे से जानते हैं आप लिक्विड फॉर्म, H2O किस फॉर्म में हो गया लिक्विड। तो अगर हम कंपेयर करें दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में, तो मोर इन्फॉर्मेटिव कौन सी लग रही है आपको, जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रही होगी, नो डाउट जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा ये कि भाई जो नीचे वाले रिएक्शन है इससे हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है। तो इस तरह से हम रिएक्शंस को क्या है मोर इन्फॉर्मेटिव, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाले बना सकते हैं, जिससे उसको स्टडी करना, उसको समझना क्या हो जाता है ईजी हो सकता है। तो आज हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो क्लियर हो गया है, इसके लिए किसी भी इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, और जो फर्स्ट स्टेप था हमारा क्या था फिजिकल स्टेट को, तो बेसिकली तो जो फर्स्ट स्टेप क्या है हम फिजिकल स्टेट को इक्वेशन के साथ क्या कर देते हैं लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने आज सीख लिया, यहाँ पर फिजिकल स्टेट को हम इक्वेशन के साथ लिख करके उसको मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।